कब से शुरू हो रहा है महापर्व छठ, जानिए नहाए खाए सूर्य पूजन व अर्घ्य देने का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय छठी माता जरूर लिखें। छठी माई आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हमने इस वीडियो में छठ के बारे में हर जानकारी बताई है, आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब आस्था का महापर्व छठ बहुत जल्द आरंभ होने जा रहा है। छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। चार दिन चलने वाला इस पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बेहद कठिन माना जाता है क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। बिहार में यह पर्व विशेष तौर पर बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व षष्ठी तिथि से दो दिन पहले यानी चतुर्थी से नहाय खाए से आरंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। छठ पर्व पूरे चार दिनों तक चलता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ्य देने का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व चार दिनों तक चलता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का यह पावन पर्व हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रख जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल उपवास रखते हैं। छठ पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन यह पर्व चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है। छठ पूजा को पर्व नहीं बल्कि महापर्व कहा जाता है। यह पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित होता है। लोग बहुत ही आस्था के साथ इस पर्व को मनाते हैं। दिवाली के बाद लोग इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। इस पर्व में व्रती 36 घंटे निर्जला उपवास करती है, जबकि किसी अन्य पर्व में इतना लंबा उपवास नहीं रखा जाता है। वहीं चार दिवसीय नहाए खाए के साथ छठ पूजा का प्रारंभ होता है। छठ पूजा में षष्ठी माता और सूर्य देव की पूजा आराधना की जाती है। इस पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार छठ पूजा को बहुत ही कठिन पर्व माना जाता है। इस पर्व में व्रती 3 दिनों तक निर्जला उपवास रखती है। छठ पूजा में माता छठ और भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। माना जाता है कि जो भी जातक पूरे विधि विधान के साथ छठ पूजा करते हैं उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इस दिन से घर में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज की मनाही होती है। नहाय खाए में व्रती सहित परिवार के सभी सदस्य चावल के साथ कद्दू की सब्जी, चने की दाल, मूली आदि ग्रहण करते हैं। वही 18 नवंबर को खरना है। इस दिन गुड़ और खीर का प्रसाद बनाकर ग्रहण करते हैं। व्रती इस प्रसाद को ग्रहण कर 36 घंटे निर्जला उपवास पर चली जाती है। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही बताया कि डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसे संध्या अर्घ्य भी कहते हैं। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान व्रती सूर्य देव से अपनी संतान और परिवार के सुख शांति के लिए कामना करती है। सुबह वाले अर्घ्य के बाद पारण होता है। इसके साथ ही यह पर्व समाप्त हो जाता है। छठ पूजा का मुख्य प्रसाद केला और नारियल होता है। इस पर्व का महाप्रसाद ठेकुवा को कहा जाता है। यह ठेकुवा आटा, गुड़ और शुद्ध घी से बनाया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं
छठ पूजा की तिथियां, अर्घ्य का समय और पारण समय क्या है। नहाय खाय तिथि। छठ पूजा का यह महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाय होता है। इस साल नहाय खाय 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 बजे होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 बजे होगा। बता दें कि छठ पूजा की नहाय खाय परंपरा में रति नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रति के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। खरना तिथि। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय 6:46 बजे और सूर्यास्त शाम 5:26 बजे होगा। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है। संध्या अर्घ्य का समय। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा होता है। इस दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 बजे होगा। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ्य के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ्य दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण का होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:47 बजे होगा। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर करिएगा।